केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप, आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है, तो अब क्या आपको लग रहा है, क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियो करोगे? क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपने टेक्निकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। 4 सेशन में 20 विकेट गिरी और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल। आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों, केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। आज जिस टाइप की क्रिकेट हुई है ना, मुझे लग रहा है कि इसके करीब कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। जिस टाइप की हुई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया दोनों दिन हिंदुस्तान की टीम ने। केएल राहुल बैक फुट पे खेलते हैं, कैप्टन पूल के गुड प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कैप्टन पूल अच्छा है वो कामयाब है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोबारा रिटेन करें। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बड़ा खामोश है। इंडिया में हो रहा होता है, पाकिस्तान स्पिन विकेट पे आउट हो रहे थे, 14-14 विकेट, 16-16 विकेट, तो बड़ा शोर मचाते थे। अब क्यों खामोश बैठे हैं? तस्वीर दिखा दी, देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज छिपके हैं, अगर मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ, जिसमें 100 मीटर का वो छक्का दिया, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया यार, वो जो मारा है उसने, अरे ऐसी की तैसी। जायसवाल पहली इनिंग में कैसे आउट हुआ? प्लेयर से और मैच्योरिटी लेवल अनबिलीवेबल। मैंने ऐसा प्लेयर कम ही देखा मैं, कि गलती की हो एक इनिंग्स पहले और दूसरी इनिंग में आके ठक करके 90 पे नॉट आउट हो। टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता वो जरूर ये वाला मैच देखें कि किस तरह बैटिंग करी जायसवाल ने और राहुल ने। 172 पे कोई आउट नहीं है और मजेदार बात है, 7 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने यूज करे, 4 सेशन में 20 विकेट गिरी और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। माइकल वॉन आज बोलेगा जेस बॉल, दोनों बहुत अच्छा खेले। राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, उसने उसी तरह समझाया। पहले ही टेस्ट मैच में इन ऑस्ट्रेलिया बड़ी बिग अचीवमेंट है जायसवाल के लिए, लेकिन आज देख के मजा आया। ये टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, चाहे आप बॉलिंग करें चाहे आप बैटिंग करें, दिस इज द वे सेशन टू सेशन। और जिस तरह दोनों ओपनर ने बेबस करा, 2004 के बाद इन ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है, बिग अचीवमेंट है जी, स्पेशली पर्थ में, जहां पे क्यूरेटर भी बोल रहा था आहा बाउंसी बाउंसी बाउंस हो रहा है। तो जस्सी के बाद जायसवाल ने लगाया फेटा, वसीम जाफर कहते ना पाटला पिच, पाटला पिच नहीं लगाया फेटा। अच्छा, अब सारी चीज इंडिया के हाथ में है, ये पहला टेस्ट मैच जीत के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोबारा रिटेन करें। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बड़ा खामोश है। इंडिया में हो रहा होता है, पाकिस्तान स्पिन विकेट पे आउट हो रहे थे, 14-14 विकेट, 16-16 विकेट, तो बड़ा शोर मचाते थे। अब क्यों खामोश बैठे हैं? तस्वीर दिखा दी, हर चीज का तोड़ है किया ना इंडियन बैटर्स ने तोड़ फास्ट बॉलिंग के सामने। पहले सर्वाइव करा सेशन टू सेशन, जहां पे 20-25 ओवर पुराना बॉल हुआ, बॉलर ढीले मोहताज, अब क्या कर रहे हैं शॉर्ट पिचेस कर रहे हैं। लेकिन जी बुमराह साहब गुड बॉलिंग, मजा आया आपकी बॉलिंग देख के और दोनों की बैटिंग देख के, 90s वाली क्रिकेट याद आ गई। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही बैटिंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ही नहीं आएगी, मगर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो लोग बॉलिंग देख के दंग रह गए। जायसवाल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग एतमाद कर रहे थे कि यार ये ओवरसीज कंडीशन में पहली मरतबा आया और ये किस तरह से परफॉर्म करेगा पहली इनिंग का, उसका बड़ा हल लगी। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल। आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों, केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। उन्होंने बॉल जितनी तेज वो भागता रहा था उतने करीब वो रोक रहे थे। 100 मीटर का जब छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने तो मकलम का एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, तो इसने तो डायरेक्ट बेसबॉल के कोच को ही गिरा दिया और बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उन नामवर बॉलरों को, नामवर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन, और लाइन को तो मतलब छक्का जब मारा तो वो कुत्ता लगने लगा। इस तरह की कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल द्वारा यकीन किसी ने अचानक से सोची नहीं थी कि इस विकेट पर 172 174 करकर 218 रन की अब इंडिया की लीड हो गई है। कल का दिन भी ये विकेट बहुत अच्छा करेगी और कल के दिन इंडिया को लंबी बारी लेनी चाहिए। देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज छिपके हैं, अगर मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ, जिसमें 100 मीटर का वो छक्का दिया, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया यार, वो जो मारा है उसने, अरे ऐसी की तैसी।
मिचेल स्टार्क को इससे ज्यादा पनिश और होगा क्या? मुझे एक ऐसी पिच जहां पर बॉल गर्दन से नीचे आएगी ना साला, हर बॉल गर्दन पे, इतने क्रैंच, इतनी बॉलें उनकी बॉडी को टच हुई है जयसवाल की और केएल राहुल के, मगर टीम भी दीवाना हो गया उस तरह तरीके से। यानी कि एक चले जयसवाल तो अपनी फॉर्म में चला ही आ रहा है ना, एक उसका ये बुरा सीन गया यहाँ पर पहली इनिंग के अंदर, केएल राहुल को क्रेडिट जाता है यार। हालांकि मैंने तो बड़ा शेट्टी का लड़का, आतिया का लड़का और बड़ा शेट्टी की सेटिंग में, उसकी सेटिंग में और गंभीर का पौका और ये वो सबका हवा ऐसी की तैसी बजाई है कि परफॉर्मेंस ही नहीं थी इसकी बाबत, मगर ये कि इसने कम से कम अपने सिलेक्टर्स को और अपने मैनेजमेंट को एक मुंह तोड़ जवाब अपने बल्ले से जरूर दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉच का अकेला जिम्मेदार मैं नहीं था। मैं नहीं था अकेला जिम्मेदार। ये देखो और सीरीज में किंग, जहां किंग वेल है, अबे जहां घंटे का किंग वेल है वहां बैटिंग किंग केएल राहुल जो है वो आज नमूदार हुआ और जिस अंदाज से उसने बॉलर्स की बत्ती बनाई है, मतलब इतनी दूर से भागकर आ रहा है हेजलवुड जिसकी तारीफों के मुंह में फूल। यकीनन नेथन लाइन को पता चला होगा कि इलेक्ट्रिक बैटर की असल डेफिनेशन होती क्या है, जब जयसवाल ने निकल के 100 मीटर का रक्षा कराया उसको, तो नेथन लाइन को पता चला होगा उसी छक्के के साथ एक साल में ब्रेंडन मैकलम के सबसे ज्यादा टेस्ट के छक्कों का रिकॉर्ड भी बराबर कर सबको छक्का कर दिया उसने। और ये छोटा सा लड़का जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया है, पहली इनिंग में फेलियर और दूसरी इनिंग में इस तरह की बल्लेबाजी, इतना मैच्योर है, इसीलिए रवि शास्त्री को हम लोग बहुत ज्यादा रेट करते हैं एज अ ग्रेट क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई, कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही, आपकी क्या टेक है? देखिए ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज खेल रही है, ड्रॉपिंग पिचेस जब से आई है वहाँ पे उनको इश्यूज आ गए हैं। 2018-19 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, वन और सेकंड डे। और अगर हम देखते हैं कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 mm ग्रास उन्होंने रखी थी, दिखाई थी, तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जी द लीड फ्रॉम द फ्रंट आउटस्टैंडिंग बॉलर इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजिशन सीम एंड स्विंग के साथ पेस और ऐसी पिच पे है जो कि उन्होंने बॉल रखा है, ग्रेट प्लेयर्स को जैसे अश्विन को पहली गेंद को आउट किया, फाजर को उन्होंने स्लिप में आउट किया, ऋषि मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी। और सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने अभी जिस तरह से जयसवाल ने अपने टेक्निकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का यही क्योंकि दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट डाउट तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कैप्टन पूल के गुड प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कैप्टन पूल अच्छा है वो कामयाब है। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा था 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट अहमद हमारे साथ हैं। अहमद, यू नो इंडिया कमांड में है, इट इज अ गुड बैटिंग बाय जयसवाल एंड केएल राहुल, आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जयसवाल, सो यू नो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड, एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला, तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि पहले पूरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो 4th मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल, पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके यू नो आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज करें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक एक ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है, बुमराह जिस तरह भी बात की बहुत जबरदस्त बॉलर है, साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन, बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर यू नो 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे है पीछे आए, इन बिटवीन ही रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गया।
हेलो दोस्तों, आज के दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भारतीय टीम की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने ऐसा तूफानी खेल खेला है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाजों को सूझबूझ खोने पर मजबूर कर दिया बल्कि उन्हें ऐसा पीटा कि यह पारी सदियों तक याद रखी जाएगी। दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त साझेदारी की और ऐसा दबदबा बनाया कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नकल बॉल और यॉर्कर की सही इस्तेमाल तक नहीं कर सके और उसके हर प्रयास पर जवाब मिला चौके और छक्के की बारिश से। इस प्रदर्शन ने सिर्फ मैच का रुख पलटा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय बल्लेबाजों की चर्चा शुरू कर दी। हर कोई पूछ रहा है आखिर ये भारतीय बल्लेबाज अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए। इधर पाकिस्तानी मीडिया का हाल कुछ और ही है। वे भारत की इस कामयाबी को देखकर इतने परेशान है कि चैनलों पर बहस करते हुए रोने जैसी हालत हो गई है। उनका कहना है ऐसा खेल हमने कभी नहीं देखा, भारत की टीम अब हमें और पीछे छोड़ चुकी। दोस्तों भारत का ऐसा प्रदर्शन दिखता है कि हमारी टीम ने न सिर्फ अपने बल्लेबाजी में सुधार किया है बल्कि उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि हर हमें एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको यह प्रदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।